बेटवा के दिल्ली बर्ड पब्लिक स्कूल के संचालक गोपाल मानधान्या आत्महत्या मामले में चंदन नगर पुलिस ने 6 माह बाद 14 लोगों को आरोपी बनाया है। संचालक ने आत्महत्या के पूर्व सुसाइड नोट भी छोड़ा था, जिसके बाद पुलिस ने कार्यवाही की है। स्कूल संचालक की आत्महत्या के मामले में चंदन नगर पुलिस ने 6 माह बाद 14 लोगों को आरोपी बनाया है। थाना प्रभारी योगेश सिंह तोमर ने बताया कि इंदौर के स्कीम नंबर 71 में रहने वाले गोपाल मानधान्या ने 27 जून को आत्महत्या की थी। मृतक ने आत्महत्या के पूर्व 3 पन्नों का सुसाइड नोट भी छोड़ा था, जिसमें स्कूल संचालक ने इंदौर के कई बड़े सूदखोर, कारोबारी और प्रॉपर्टी ब्रोकरों का भी नाम लिखा था। मृतक ने इन लोगों पर आरोप लगाए थे कि इन्होंने मुझसे ब्याज के नाम पर करोड़ों रुपए वसूल किए हैं और अभी भी पैसे की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में 14 लोगों को आरोपी बनाया है। फिलहाल पुलिस ने स्कूल में मृतक के पार्टनर अनीश कुरेशी, जुलू राजीव सोनी और आनंद तोतला को गिरफ्तार किया है। कुशवापुर श्री गोपाल जी मानधन्या द्वारा गुमास्ता नगर में सुसाइड कर लिया गया था, फांसी लगा के आत्महत्या की गई थी। इस प्रकरण की जांच के उपरांत ये पाया गया कि जो सुसाइड नोट मिला था उसमें जो तथ्य आए थे वो सही पाए गए, और जांच के उपरांत इसमें धारा 336 के तहत प्रकरण दर्ज करके विवेचना में लिया गया। कुल 4 आरोपी, जिसमें अनीश कुरैशी और 3 अन्य, ऐसे करके 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष अभी 10 आरोपी गिरफ्तार करना बाकी है।